बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय किचन माय स्पाइसेस सर, आज मैं नई रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन फ्राई चरगा। दो लार्ज मैंने लेमन लिए, थोड़ा सा हरा धनिया, दो टुकड़े मैंने अदरक के लिए, इतने मकदार में मैंने लहसुन लिया और ये हरी मिर्च है बारीक वाली। ये दो लेमन लेकर मैंने इस तरह इसका लेमन जूस निकाल लिया। ये 1/2 टेबल स्पून बेसन है, ये थोड़ा सा 1/2 कप से भी लेस है वाइट विनीगर, 2 टेबल स्पून दही है, तंदूरी मसाला है, सुर्ख मिर्च, गरम मसाला, हसबे ज़रूरत नमक, सूखा धनिया पाउडर, काली मिर्च, अजवाइन, ज़ीरा पाउडर। अब मैं आपको मैरिनेशन करके दिखाती हूँ मैं कैसे इसको चरगा फ्राई तैयार करूँगी। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया लेकर मैं अब इसको मशीन में पीस लूँगी, इसके बाद में दिखाती हूँ आगे क्या करना है। अब मैं चिकन को मैरिनेशन करने लगी हूँ। 3 ठक मैंने लगाए हैं, 1, 2, 3, तीन ही दूसरी तरफ लगाए हैं, एक मैंने लेग पर लगाया, एक यहाँ और एक यहाँ, बस 3 अदद मैंने होल चिकन लिए हैं। सबसे पहले हम चिकन में लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट और हरा धनिया की पेस्ट ये लगाएंगे। हमें तमाम मसाले डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा दही डालने लगी हूँ, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है बस, थोड़ा सा बेसन, ये ज़्यादा नहीं है, 1/2 टेबल स्पून है बस, खाने वाला चम्मच, विनीगर, वाइट विनीगर, लेमन जूस। ये लार्ज वाले थे, 2 सिर्फ मैंने इस्तेमाल किए हैं। अब मैं इसको इसमें डाला हूँ, अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह। चिकन का हमने मैरिनेट कर लिया, अब मैं इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखूँगी, दूसरे दिन मैं इसको फ्राई करूँगी, फिर आपको फ्राई करके दिखाऊँगी कि इसको कैसे फ्राई करना है। चिकन को हमने मैरिनेट करके ओवरनाइट फ्रिज में रख लिया था, अब मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैं आपको फिर डिश आउट करके दिखाऊँगी। कढ़ाई में मैंने पहले तेल डालकर रख दिया था गैस को ऑन करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा नीचे डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्राई में तेल इतना डालना है कि चिकन अच्छी तरह इसमें डिप हो जाए। बारी बारी करके हम तीनों को इसी तरह फ्राई कर लेंगे। 15 मिनट में एक तरफ फ्राई करूंगी, 15 मिनट में दूसरी तरफ फ्राई करूंगी। अब हम चिकन को पकाने लगेंगे। चिकन को मैंने परता लिया है, 15 मिनट में हम दूसरी तरफ पकाऊंगी, इसको फ्राई करूंगी। चिकन फ्राई करते वक्त हमने मोटी वाली मिर्च जो होती है ना ग्रीन वाली, वो भी डाल दी क्योंकि ताकि साथ ये भी फ्राई हो जाए। जब ये गोल्डन ब्राउन इसका कलर आ जाएगा फिर हम इसको उतार लेंगे। तीनों चिकनों को फ्राई करके फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन चरगा फ्राई हमारा तैयार है, बहुत लजीज सा बना है और खुशबू भी माशाल्लाह बहुत आ रही है, बहुत प्यारी आ रही है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल करेंगे। साथ मटर पुलाव है और बड़ी मिर्ची हमने फ्राई की है, साथ कुछ सैलेड है, थोड़ा सा हमने हरा धनिया डालकर इसको गार्निश कर दिया है। अगर ये हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक करें, फ्रेंड फैमिली में शेयर करें, बेल आइकन को भी दबा दें। प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जो मैं रेसिपी बनाती हूँ अगर आप उसको वॉच करते हैं तो प्लीज़ को ट्राई भी किया करें। ये बहुत लजीज फ्राई चुरगा बनता है, बनाना भी बहुत आसान है, मैरिनेशन भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है बनाने, बहुत आसान और जल्दी बनने वाली चरगा फ्राई चिकन है। साथ पुलाव है, मटर पुलाव है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद है प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।